मॉर्निंग सुप्रभात, राम राम जी। तो भाई छुट्टी डिक्लेयर हो गई है 9 से 18, आज पहली छुट्टी है। और वसु देखो स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रहा है, ये जान लग रहा है स्कूल शायद इनकी भी छुट्टी हो जाएगी 1-2 दिन में। है वसु, हो जाएगी ना तुम्हारी भी? है नहीं भाई, वो मना कर रहा है इनकी छुट्टी ना हो, तो मेरी छुट्टी हो गई है भाई। आराम तो उठूँ भाई, आराम तो सोता हूँ, मज़ा आ रहा है भाई। रेडी हो रहा है स्कूल में जाने के लिए। अरे इसकी रह रही है डायरी लिखनी, वो डेली रूटीन वर्क जो है ना घर पे जो करता है वो लिखना दिया रहे। अब देखो अब करेगा सारे काम ना बैठ के, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भाई। गुड़ शक्कर और खांड वाला आ रहा है देखो इसमें, और मौसम देख लो, हल्का सूरज दिखने लग रहा है, फिलहाल धुंध हो रही है, टाइम 8 बज रहे हैं। ये भी अब देखो माइक लेके बोल रहे हैं, माइक हो रहा है। भाई फिलहाल मैं जान लग रहा हूँ तरुण के पास, तो देखो मौसम चेक कर लो एक बार। देखो भाई जो सरसम वगैरह है ना देखो वो हो गई है, और धुंध देख लो एक बार, यानी नजदीक तो धुंध है नहीं और दूर देख लो कितनी धुंध दिखाई दे रही है। आज तरुण वाली भी सरसों देख कानी थी, पता नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा। और वो फिलहाल तो उन्हें फोन कराया था, वो जो घर है ना वो डालने लग रहा है, देखो आपने दिखाऊंगा जैसी में बैठा नहीं लगा सुबह सुबह, वो लग रहा है वो जेसीबी पे वो बैठा। हाल में आ गया हूँ और वो देखो पीछे जेसीबी बैठा है, और यहाँ इस गड्ढे से में जो कार है ना वो बनाई जाए, इस पर ईट बने बना रहे हैं। यहाँ से ये जेसीबी से एक ट्रैक्टर में डाल लगा, उसमें भी एक मशीन सी हो जो इसने घुमा के बिल्कुल पीस कर निकाल देगी। देखो भाई अब डलेगी इसमें मिट्टी, ऐसे उठाई जाए और उस मशीन में डाली जाएगी वो साइड में खड़ी। सुनना ये मैं बस तो सुन लग रहा हूँ, ले भाई दे दे, नहाया हूँ अभी और ना के यो टास्क मिल रहा है कि बस उसे सुनना, क्योंकि ये ना ये चुपचाप तो खड़ा होकर सुना नहीं सकता, इसमें सबसे मोटी कमी है, लेटता कूदता जब सुनाया करे, जब भाई याद करे करे, है ना। टाइम देख लो कितना हो रहा है, और लड़का मेहनत करने लग रहा है स्कूल का काम। मैं जब इस दिन में कहूँ था ना जब तो करया नहीं, अरे देख लो ये करण लाग रहा है, यानी रफ कॉपी में तो उतारेगा, उसके बाद कुछ इसके जो इसका समझ में नहीं आ रहे वो उसने मैं कराऊंगा। मेरी तो मान्या है ना हटाई आज और के मैं कहूँ था जब कर ले जब क्यों ना कराया है ना, मैं ना लूँ किया की सब्जी वगैरह, मैं तो चटनी के लिए खाऊंगा रोटी। हाँ भाई रोटी आ गई है मेरी, या चटनी है जो मैंने थाली में डलवाई है, और ये मेरी 2 रोटी हैं, और ये हो भाई रायता, तो मैं खा लेता हूँ। मेरे ज़्यादा थी देखो आंसू आ गए और मुँह जल गया, वसु गया है रसगुल्ले लेने तो 1-2 रसगुल्ला खाऊंगा। बारिश का मौसम हो रहा है और तेज़ हवा चल रही है, ठंड के आसार है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखो मैं अपना दिखाता हूँ बारिश, तो है देखो हवा झंडा कितनी तेज फैल रहा है, और बारिश मौसम बिल्कुल साफ है बारिश के कारण। और देखो सारा, यानी कल रात में भी बारिश आई थी और अब भी बारिश आ रही है। ये देखो भाई मंदिर वाला झंडा भी कितना तेज बोन लग रहा है, और देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यानी इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। अब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, शायद उसके स्कूल में जाना पड़ सके। उसकी मैडम के पास फ़ोन कराया था, उसकी मैडम ने भी फ़ोन नहीं उठाया। वैसे मैं बस वाले जो ड्राइवर नहीं कंडक्टर को मैं बोल गया था कि भाई कोई लड़की है जो शीशा खोलती है, ठीक है विंडो का, उसको मना कर दो क्योंकि वसु है बीमार हो रहा है। तो देखते हैं वसु आके क्या रिस्पॉन्स देगा। वैसे उसकी मैडम के पास फ़ोन और मैसेज दोनों कर रखे हैं, तो वेट कर रहे हैं उसकी मैडम का कि उसका फ़ोन आएगा या नहीं आएगा। तो भाई मेरा बाहर जाने का मन था, मैं बाहर भी नहीं जाता क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो घर ही रुकते हैं आज। मौसम बिल्कुल साफ था, यानी कोई नहीं कह सकता था कि सुबह उठाएंगे तब मान ले ऐसा मौसम हो जाए। मैं रात में उठाया था तो रात को भी ना बारिश आ रही थी हल्की हल्की, छत है वो थोड़ी थोड़ी साफ कर दी है, उधर ही इकट्ठा कर दिया है वो, ताकि बारिश आए तो नाली वगैरह रुके नहीं
और इधर भी वसून है ना, ये सारे पटाखे वटाखे छोड़ के बुरा हाल कर रखे छत का। देखो डेली इतने बम वगैरह सारे फेंकने पड़े हैं। निकल गई थी और धूप निकलने के बाद क्या है कि एकदम फिर बिल्कुल काला काला हो गया। मैं ऊपर जान लग रहा हूँ और बादल है ना गर्जन लग रहे हैं, यानी इस टाइम पे बारिश आने लग रही है, हल्की हल्की बारिश। ये देखो, ये देखो भाई बारिश, और जब बादल कर जाएगा ना वो भी दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसी आवाज आई जैसे बम की आवाज आती है, एकदम अगर रोंगटे खड़े हो गए। बारिश भाई तेज हो गई है और उस साइड देखो जबरदस्त बारिश, यानी जबरदस्त बारिश आ रही है उधर। तो देखो उस साइड भी इतनी जबरदस्त बारिश आ रही है। बादल बिल्कुल तेज तेज गर्जन लग रहे हैं और एकदम हवा बंद होगी, यानी सही जबरदस्त बारिश आ रही है। अब ठंड हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी हो रही थी दो तीन दिन से, तो अब सही ठंड हो जाएगी। स्कूल में आ गया है और उसकी तबीयत है ना अब भी डाउन हो रही है, तो उसका मन कर रहा है कि मेरे साथ कैरम बोर्ड की एक बाजी लगाने का, तो आज इसको हरा देते हैं, क्योंकि अपने आप ने है ना कैरम बोर्ड का प्लेयर समझा है। तो भाई मैं इसके साथ कैरम बोर्ड खेलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट क्या रहा। वो अपनी काउंटिंग करने लग गया है। वसु कितनी होगी? 140। वसु के पास 140 है यार भाई, मेरे पास है 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है भाई मेरे वाली, देखो ये है येलो कलर की इतनी है, और भाई एक मैंने अपनी रानी भी निकाल ली है, और ब्लैक ये है, और अभी इतनी रह रही है, एक रानी और भी रह रही है अभी, तो ये रही तो इसने ही मैं निकालूंगा। मैं जीत गया हूँ, यो रहा वसुदेव, चीटिंग करके बिल्कुल भी ना जीता, अपने दम पे जीता हूँ, ठीक है। ये पड़ी देख लो सारी गोटी, ठीक है, कोई चीटिंग ना करी, यो बकवास करे, हाँ इस चीज की चीटिंग करी ना भाई, कोई चीटिंग नहीं करी। यो पता है क्या है, ये कहे कि भाई सारी जैसे ही साइड में इकट्ठी होगी ना, तो बोला कि बीच में रखो, ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि मैं अपनी ना उस साइड ले गया तो मैं फिर उन बीच में रखूंगा। तो भाई मैंने हरा दिया है, हार रहा है भाई, ठंड के कपड़े डाल लिए हैं, और जिया ने भी अपने देखो फुल वो डाल रखी है, है जिया, और देखो कैसे खड़ी खड़ी काम करे जा, पूरे तब तक खड़ी है भाई, ये बखड़ी हुई है। ले भाई हैप्पी धनतेरस, और ये लगा दिया एक शॉट तरुण ने, ना चलेगा आकाशवाणी, छोटी है होगी इसमें, घनी बड्डी ना हो यार इनमें। ये भी है दूसरे वाली है साउंड रॉकेट, ये आवाज करती हुई जाएगी ऊपर। या तीसरी छोड़ के देख के इसमें आवाज आओगी कि नहीं आओगी, मेरा तो बाल टूट रहा है। देखो कितना बड़ा है, चल दवा चल रही करो, एक कसूती जबरदस्त जबरदस्त भाई जबरदस्त, लक्ष्मी बम भाई क्या चल रहा पछतायो।
स्काईलाइन टेनर कितनी दूर जाता है, यानी यहाँ कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर जा ली देख लो। स्काई शॉट जान लग रहा है। हाँ चला, आज है धनतेरस, तरुण ने भी खूब छोड़े हैं। ये वसु लग रहा है बस। वसु चला रहा है बुलेट बम, ये रह रहा है कितनी देर, डर ज्यादा है। इसने इसकी बात ना छोल दी जाती, इतना टाइम लग रहा है। फिलहाल आ रहे हैं ऊपर, पीछे अपना मंदिर है और एक दो, मान ले एक तो स्काई लालटेन छोड़ी है, अरे वसुन अपना जो स्काई शॉट था वो छोड़ा है। मैंने एक बम लगाया था वो फ्यूज हो गया, तो इसका मतलब मेरी किस्मत है मैं है ही नहीं। बाकी मैंने उस तरह ना रॉकेट मंगवाए हैं, एक बार रॉकेट और छोड़ेंगे। आज है धनतेरस तो आज भी छोड़ेंगे, कल भी और परसों, तो भाई बड़ी दिवाली है। धनतेरस सर गांव का दृश्य देख लो, क्योंकि कई मौत सी हो रही है इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। एक आधा घर ऐसा है जो मान लिया आस पड़ोस में जो सज रहा है। सिलसिले लेके आया भाई, मन तो पता भी नहीं दिवा का, मैं ही लेके आया था। ये कोई रस्सी सी है, देखो जवान लग रहा है। इस तईस ने चला हुआ है, ये देखो भाई ये लगा दी। क्या तो नहीं पट है, तो बढ़िया जड़न लग रही है यार। क्या पट जा रहा है, हर लो मैं इसके नज़दीक जाऊँ। ले भाई यार यह है जो हमने छुटाई है, ले मैं इसके कद बिल्कुल पास खड़ा हूँ। कुछ नहीं हुआ है, ये पता क्या है, इसने इसकी बत्ती ने छीलते नहीं है, और वैसे आग लगा दें तो इसकी है ना दो लाइन में एक बार इकट्ठी आग लग जाए ना, फिर यह दिक्कत कराए भाई। फिलहाल अपना है ना बम वगैरह छुटवा के नीचे आ गए हैं, तो फिलहाल व्लॉग को करते हैं बंद। कल मिलेंगे फिर नए व्लॉग के साथ। कल का मतलब मैं 2 दिन में एक बार डालता हूँ, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।